बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, जमात अव्वल फ़नी कायदो इंशा जो है ये हम शुरू कर रहे हैं आज, और अब हम आगे देखते हैं का क्या है जुमला। जी, जुमला है आपका सफ़ा नंबर 11 पर, 11। हाँ जी, तो जुमला की जो तारीफ़ है वो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक से ज़्यादा हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। जब एक से ज़्यादा जो हर्फ हैं वो मिलते हैं तो क्या बनता है, एक लफ्ज़ बनता है। जैसे कि एक ये लफ्ज़ है, ये मैं कुछ हर्फ लिखती हूँ, जैसे इसमें है अलिफ, हे, मीम और दाल। ये कुछ हर्फ हैं, आपको पहचान होगी इनकी। इसको क्या कहते हैं, इनको हरूफ कहते हैं। तो ये हर्फ हैं, लेकिन जब मैं इसको जोड़ूंगी तो मैं एक लफ्ज़ बना दूंगी, अहमद। ठीक हो गया। अब मैं एक और चंद हरूफ जो है वो लिखती हूँ, जैसे ब, अलिफ, रे और शीन। जब मैं इनको जोड़ूंगी इन हर्फ को, तो ये क्या है, पहले मुझे ये बताएं, बे, अलिफ, रे और शीन, ये मैंने क्या लिखे, हर्फ लिखे। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको जोड़ूंगी तो मैं कौन सा लफ्ज़ बनाऊंगी, बारिश। जी क्लास, तो ये क्या बन जाती है, बारिश। तो इसी तरह से कहते हैं कि एक से ज़्यादा हर्फ मिलकर जो है वो लफ्ज़ बनाते हैं। जब कुछ लफ्ज़ इस तरतीब के साथ मिलते हैं कि इनका कोई मतलब भी हो, तो ये सारा लफ्ज़ मिलकर जुमला कहलाता है। जी, तो क्या कहलाता है, जुमला। अब मैं आपको जुमला भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हर्फ, फिर उस हर्फ को मैंने क्या किया, लफ्ज़ में बदल दिया। अब उस लफ्ज़ को मैं जब जुमले में बदलूँगी तो क्या लिखूँगी, सबसे पहले अहमद पे लिखती हूँ, अहमद अच्छा बच्चा है। ठीक हो गया। तो अब मैंने ये पूरा जुमला जो है ये लिख दिया, अहमद अच्छा बच्चा है। सबसे पहले क्या लिखा, हर्फ, उसके बाद मैंने लफ्ज़ और उसके बाद जुमला। तो जुमला वो होता है जिससे कोई बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब हम एक और जुमला लिखते हैं, बारिश। बारिश भी मैंने लिखा था ना, तो बारिश पे लिखते हैं, सुबह से बारिश हो रही है। तो मेरे जुमले से आपको क्या अंदाज़ा हो गया कि सुबह से बारिश हो रही है, यानी कि वक्त जो है वो उसको आपका पता भी चल चुका है कि सुबह से हो रही है। तो इस तरह जो जुमला होता है उसका मतलब है कि एक ऐसी बात जो पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाए। जी क्लास, तो ये अब आपको हर्फ, लफ्ज़ और जुमले की वजाहत कर दी। कहते हैं कि इस तरह तरतीब के साथ मिलते हैं कि इनका कोई मतलब भी हो, यानी कि कोई बात जो है, कोई मतलब जो है वो आपकी समझ में आ जाए, तो ये सारे लफ्ज़ मिलकर जुमला कहलाते हैं। अगर इन लफ्ज़ों का कोई मतलब ना हो तो ये जुमला नहीं कहला सकते। जी, जैसे कि ज़ैनब अच्छी लड़की है, तो ये बात जो है ये पूरी तरह आपकी समझ में आ गई। एक तो ज़ैनब के बारे में बात हो रही है और दूसरा ये कि उसकी ये बात हो रही है कि वो अच्छी लड़की है। ये चार लफ्ज़ हैं, ज़ैनब अच्छी लड़की है, तो चार लफ्ज़ों को मिलाकर मैंने जो है वो एक पूरा जुमला बना दिया। ये चार लफ्ज़ हैं जो मिलकर कोई मतलब भी दे रहे हैं, इसलिए ये जुमला है। अब इन लफ्ज़ों को देखें, अच्छी है ज़ैनब लड़की, क्या आपको इस जुमले की कुछ समझ आ रही है, नहीं, इस जुमले की समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस जुमले की तरतीब दुरुस्त नहीं है। तो जब आप कभी कोई जुमला बोलते हैं तो उसके लिए शर्त ये है कि उसकी तरतीब भी दुरुस्त होनी चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ मुंह में आया वो लंबे लंबे से जुमले बोल दिए। जुमलों की एक तरतीब होती है, और जब आप जुमले की तरतीब को जो है वो दुरुस्त तरीके से बोलते हैं तो फिर किसी न किसी आपकी बात जो है वो किसी न किसी की समझ में ज़रूर आएगी। ये वही चार लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ तो वही हैं, ज़ैनब भी वही हैं, अच्छी भी वही हैं, लड़की भी वही हैं और है भी वही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कोई मतलब नहीं दे रहे। असल में इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनके मिलने से जुमला नहीं बना। जुमला वही होता है जिसका कुछ मतलब होता है या जिसकी कोई तरतीब होती है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने कुछ दिए हुए ना अल्फाज जुमले, आया अहमद था, तो इसका फिर क्या दूसरा जुमला होगा, अहमद आया था जी क्लास। तो ये था इसका दूसरा जुमला, ने अली किया सलाम, क्या ये दूसरा जुमला है, नहीं, अली ने
सलाम किया, ये दुष्जुमला था। मरियम पिया ने दूध, तो इसको दुरुस्त कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, मरियम ने दूध पिया। मुस्तफा है किताब की ये क्या जुमला हुआ? मुस्तफा है किताब की ये पहले हम लिखेंगे, ये मुस्तफा की किताब है। पढ़ो कर लगा दिल, दिल लगा कर पढ़ो। हाँ जी, ये हो गया। खाओ आओ खाना, आओ खाना खाओ। जाओ घर अब घर जाओ। जी तो उसके आगे फुल स्टॉप भी लगाएंगे, के आओ कब, ये क्या जुमला हुआ? कब आओगे, ये सवाल पूछा गया है, कब आओगे। जी अब लफ्ज़ों की तरतीब दुरुस्त करके जुमला बनाएं, ठीक है? खेलने चलो अब, चलो अब खेलें। ने खाया मैं खाना,
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।